और पंजाब के गुरदासपुर में डीआईजी दफ्तर में तैनात एक एएसआई ने पत्नी और बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के गुरदासपुर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पंजाब पुलिस के एक एएसआई ने अपनी पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। एएसआई भूपेंद्र ने अपने पालतू कुत्ते को भी मार डाला। एएसआई अपने सर्विस हथियार से पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतार कर वहां से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मां और बेटे के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। आरोपी एएसआई फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। एक इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि एक एएसआई है भूपेंद्र सिंह, और उसने अपने वाइफ और बेटे को गोली मारी है, तो उसी को पुलिस वेरीफाई कर रही है और उसकी बाल जो है वो जारी है। अभी कोई कारण नहीं पता चला, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही पता चलता है हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे भी मर्डर केसेस में होती है, और जैसे ही अपडेट हो जाती है हम आपसे शेयर। एएसआई ने पत्नी और बेटे की हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एएसआई भूपेंद्र ने गांव की एक लड़की को भी अगवा किया है।